हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है। ये दो आपको वेक्टर दे रखे हैं, शो करना है कि वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी करने के बाद ही परपेंडिकुलर निकले। आपको पता है परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? जब दोनों वेक्टर डॉट करने पर क्या निकल कर आ जाए, जीरो निकल कर आ जाए ना। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, पहले ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर कर लेते हैं ना। ये ए है, ये बी है, जोड़ो। 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप प्लस i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 i कैप माइनस 1 और प्लस 3 कितना हो गया? 2 j कैप माइनस 3 और 5 कितना हो गया? माइनस का 8 k कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो अब। 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 5 i कैप माइनस, वैल्यू वही है और वही भी की। अब देखो 5 में से -1 हुआ तो कितना हुआ? 4 i कैप माइनस 1, और फिर ये -3 कितना हो गया? -4। माइनस का 1 है ये, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये -4 कितना हो गया? जे कैप। के कैप के लिए -3, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 3 प्लस का 2 k कैप। अब आपको क्या करना है? ए प्लस बी का डॉट निकालना है ए माइनस बी के साथ। निकालो। 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप, और डॉट निकालेंगे हम 4 i कैप j कैप प्लस 2 k कैप के साथ। तो देखो 6 4 24, i × i 1 हो जाएगा। फिर इस 6 वाले को अपन इससे करेंगे, इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि i और j डिफरेंट जब होते हैं तो 0 हो जाता है। ऐसे जे वाले को इससे करेंगे तो कोई मतलब नहीं, केवल इससे करना है। 2 4 जा -8 और जे 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके। 8 2 जा 16 और इसका 1 हो गया। 24 माइनस 24 कितना हो गया? 0 आ गया। हैंस ए प्लस बी हैंस वेक्टर्स वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। निकल गया, क्लियर है यहां तक? तो इनका डॉट देखो आप, क्या आ गया आपके पास? इनका डॉट आ गया है आपके पास 0। क्लियर है यहां तक? ये हो गया कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 15।